संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। उन्नीस सौ पचानवे में जो पेपर आए थे, द्वितीय प्रश्न पत्र इसको बोला जाता था पहले, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले जो पेपर हुआ करता था तीसरा, वो निबंधात्मक हुआ करता था। इस समय एक ही पेपर हुआ करता है और वो बहुविकल्पी के रूप में ही आता है। तो पहले जैसे आता था मात्र, दूसरा ही प्रश्न पत्र जो होता था वो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, बहुविकल्पी के रूप में उसमें प्रयोग किया जाता था। तो इसमें 50% हुआ करते थे। तो हम क्रम से देखते चले जाएंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ समय के बाद में हम इसका शुरू करेंगे, पूरी डिटेल में व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। समय का भी थोड़ा सा अभाव है, मजबूरी है हमारी, आगे देखते हैं। जब तक डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी मैं शायद कम ही वीडियो बना पाऊँ, कोशिश में लगा हुआ हूँ कहीं से व्यवस्था हो तो डिजिटल बोर्ड का हम कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का देवता है, ये बहुत आता है। ये हम जानते हैं कि अग्नि जो सूक्त है उसमें अग्नि ही देवता हैं, और जब सूक्त संग्रह में आपने अध्ययन किया होगा, सूक्तों का अध्ययन किया होगा, तो पहला जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त है और उसके देवता भी अग्नि हैं। ठीक है, तो पहले का इसमें सी हो जाएगा उत्तर। ऋग्वेद के दूसरा वाला, ऋग्वेद के मंत्रों की संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या बोला जाता है, तो हम जानते हैं ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा बोला जाता है, तो बी इसमें जो उत्तर है बिल्कुल ठीक है, तो दूसरे का बी ऋचा। तीसरा देखिए, सामवेद की कितनी शाखाएं मानी जाती है, मैं इसमें थोड़ा सा समझाने का प्रयास नहीं करूँगा, ये बहुविकल्पी के रूप में है, सीधे सीधे इनके उत्तर देखते चले जाएंगे और मैं ये बताता चला जाऊँगा मैंने क्या क्या चीज़ आपको समझा दी है। तो ये मैंने शायद ऋग्वेद में भी कुछ समझाया नहीं है और वैदिक में एक दो ही वीडियो बन पाए हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। शाखाएं वगैरह तो शायद समझा दी हैं मैंने। जैसे सामवेद की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं, तो हम जानते हैं कि 21 जो है ऋग्वेद की मानी जाती है, 9 अथर्वेद की मानी जाती है, 101 यजुर्वेद की मानी जाती है, और 1000 जो है वो सामवेद की शाखाएं मानी जाती हैं। इस तरह से जो सामवेद की शाखाएं हो जाती हैं, तीसरे वाले प्रश्न का डी हो जाएगा उत्तर इसका। ठीक है, और वेदों के बारे में भी उपवेद जो माने जाते हैं, वेदों के उपवेद, उनके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, आप चाहें तो अध्ययन कर सकते हैं, वैदिक सूक्त संग्रह वैदिक के नाम से बनाया है, शायद वैदिक साहित्य के नाम से कुछ ऐसे कुछ बनाया है, ध्यान नहीं आ रहा, बहुत समय हो गया बनाए हुए, तो पढ़ा दिया है ये कन्फर्म पता है मुझे। तो आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। संगीत जो उपवेद माना जाता है वो सामवेद का माना जाता है, धनुर्वेद यजुर्वेद का माना जाता है, और बाकी जो भी कुछ बचता है वो सारे उसमें शिल्प वेद वगैरह जो बन जाते हैं वो सब अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से पूरा बहुत विस्तृत में समझाया है। तो चौथे का जो प्रश्न होगा, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो वो ऋग्वेद का है। ठीक है, पाँचवा देखिए, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो हैं, ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, गौपत जो है वो ब्राह्मण है अथर्वेद का, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय शब्द लग जाए तो दिमाग में बैठा लो ऋग्वेद से संबंधी है, और गौपत शब्द लग जाए तो वो अथर्वेद से है। अब ये बच्चे शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, ये दोनों ही यजुर्वेद से हैं, लेकिन समस्या होती है कि तैत्रीय और शतपथ में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको सही करने के लिए याद रखना शुक्ल शब्द आया तो शाह से शुक्ल और शाह शतपथ ब्राह्मण, शाह शुक्ल शाह शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, बाद बाकी जो बचा वो कृष्ण यजुर्वेद बचा, उसका तैत्रीय ब्राह्मण हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न जो पूछा गया है वो है पांचवा, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है तो कौन सा हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। विंटर नित्स के अनुसार ऋग्वेद का समय, विंटर नित्स के अनुसार भी ऋग्वेद का समय जो है 2500 BC माना गया है। ठीक है, इंद्र का कार्य क्या है, इंद्र को हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि वर्षा का इनका मुख्य रूप से कार्य है। ये सूक्त संग्रह जो हरदत्त शास्त्री की, अगर पुस्तक ले सकें आप तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है, और उसको जब अध्ययन करेंगे, भूमिका के रूप में कुछ दे रखी हैं व्यवस्थाएं, तो उसमें सभी देवताओं के बारे में वर्णन दे रखा है, तो उसमें अध्ययन करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और सस्ती किताब है, ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक,
चलिए अगला देखिए, आठवां वाला प्रश्न जो है, पुरवा उर्वशी संवाद किस वेद से है। सभी जानते हैं, बहुत सरल है ये ऋग्वेद से इसका संबंध है सीधा। कौरवण्य वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा, शतम समा, शतम समा जो है संधि से हुआ है, शतम समा होता है ना, तो ये ईशावास्य उपनिषद है, ईशो उपनिषद इसको बोला जाता है, ईशो उपनिषद का ये मंत्र है, उससे लिया गया, तो कौन सा हो जाएगा, नाइन्थ का सी। वैसे इसमें स्रोत जो दे रखा है ईशो उपनिषद मंत्र गीता प्रेस, गीता प्रेस की पुस्तक आती है उसे भी देख सकते हैं, या सबसे जो अच्छी पुस्तक मुझे लगी अपने अपने अपनी पसंद होती है, मैंने तो जो पढ़ा है वो सभी उपनिषदों का एक पूरी पुस्तक आती है आर समाजियों की, आप उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। खैर, पृथ्वी सूक्त किस वेद में है। पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद से संबंध है, इसलिए दसवें का उत्तर ए हो जाएगा। किस वेद को चक्षु कहा गया है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे समझाया है शायद वेदांग में, जब हमने निरुक्त शुरू किया था तब इसको समझाने का प्रयास किया था, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। छंद जो हैं वो पाँव कहलाते हैं, पाद कहलाते हैं, व्याकरण को मुख बोलते हैं, शिक्षा को हम घ्राण बोलते हैं, नासिका बोलते हैं, ऐसे ज्योतिष जो होता है वो चक्षु यानी आँख कहलाता है, ज्योति प्रकाश है, आँख से भी प्रकाश दिखाई देता है, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ज्योति मतलब ज्योति शब्द से ज्योतिष शब्द बना है, ज्योति मतलब प्रकाश होता है जो किसी चीज़ को प्रकाशित कर दे, ऐसी आँख भी किसी चीज़ में बंद रहेंगी तो कुछ दिखाएगा नहीं, खुल जाएंगी तो वो देखने लग जाएगा, ऐसे ज्योतिष से भी भविष्य देखा जाता है और भूतकाल को भी थोड़ा सा उसमें देख सकते हैं हम, तो देखने का जो कार्य है वो आँख का है, ज्योतिष का भी वही कार्य है, तो दोनों को आप मिला लो। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं, सभी जानते हैं, हमने या निरुक्त को बड़े अच्छे से पढ़ाया है, आप उसमें अध्ययन कर सकते हैं और बहुत विस्तृत में समझाया है। पदार्थ साथ ही होते हैं, ये वैश्विक दर्शन का मत है, ये भी हमने बड़े अच्छे समझा दिया है, तर्क संग्रह तर्क भाषा दोनों बता दिए हैं, आप जाकर अध्ययन कर सकते हैं। मैंने सादे लगभग इतना तो मैंने समझा ही दिया है कि आप नेट का, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ने के बाद नेट पास कर सकते हैं, हो सकता है कुछ कम रह गया हो तो थोड़ा बहुत अगर अपनी तरह से प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। समझाने वाला जितना भी पोर्शन था मैंने लगभग सभी विषय का समझा दिया है, और कभी मौका मिलेगा तो मैं इस विषय को छोड़ूंगा नहीं, मैंने पहले भी कह दिया है कि जब जब मुझे मौका मिलता रहेगा मैं सारे विषयों को समझाने का प्रयास करूंगा, और जब तक मैं हूं मैं कोशिश करूंगा कि सारे विषयों को वीडियो के रूप में मौजूद करा दिया जाए, जब भी कोई व्यक्ति आए उनको पढ़े और थोड़ा लाभान्वित हो सके। उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं गलती नहीं होती, तो कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, इस वजह से थोड़ा मन नहीं करता बनाने का, अंधाई दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे। और किताब का मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आप किताब से अध्ययन करते रहिए, वीडियो कोई पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए 14वां, देखिए मन का लक्षण, संकल्प और विकल्प होता है मन का जो लक्षण होता है वो वेदांत सार को मैंने संपूर्ण पढ़ा दिया है, और आप उसमें जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं, 15 तक देख लिया। हाँ, 14 हो गए, 15वां न्याय सूत्र की रचयिता, देखिए सभी को देखिए, सांख्य जो है कपिल का है, गौतम ने न्याय सूत्र लिखा है, बादरायण ने उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत बोलते हैं, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा जिसके हम वेदांत दर्शन पढ़ा है हमने बादरायण के अनुसार, यानी उत्तर मीमांसा माना जाता है, मैंने उसमें समझाया भी है, आप जाकर के अध्ययन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, हो सकता है कुछ गलतियाँ हों, मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप उसको देखेंगे किताब से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचित रचना की है, और पूर्व मीमांसा जो है हमारा अर्थ संग्रह के रूप में इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं, और मैंने उसमें भी अध्ययन कराया है, दर्शनों को लगभग मैंने सबको पढ़ाने का प्रयास किया है, और जहाँ तक समझाने की प्रयास किया गया वो समझने की प्रक्रिया शायद समाप्त करा दी गई है, बाकी तो सब आप कंठस्थ करना है वो आप करिए। ठीक है, तो न्याय सूत्र किसका है, सी गौतम का है, आप अध्ययन कर सकते हैं। 16वां वैशेषिक मतानुसार, अब देखिए यहाँ पे तर्क भाषा के अनुसार और वैशेषिक के अनुसार दोनों में अंतर हो जाता है, तर्क भाषा तर्क संग्रह हम पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रमाण माने गए हैं वो चार प्रमाण माने गए हैं, और वैशेषिक केवल शब्द आ जाए तो उसमें दो प्रमाण माने गए हैं। ठीक है, सांख का सिद्धांत और सांख के अनुसार जो प्रमाण माने जाते हैं वो तीन माने जाते हैं, सांख हुआ या
पतंजलि का योग दर्शन हुआ। ये तीन प्रमाणों को मानता है। सांख्य के सिद्धांत जो है सत्कारवाद होता है, सत्कारवाद को बड़े अच्छे समझाया है, एक कार्य का आती है उसको बड़े विस्तृत में रूप से समझाने का प्रयास किया है। सांख्य दर्शन का अध्ययन करिए, आनंद आएगा। कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी की है, हो सकता है उसमें कितना सफल रहा हूँ कितना नहीं मुझे नहीं पता। खैर चलिए आगे देखते हैं। 18वां तर्क भाषा के ग्रंथ हैं, तर्क भाषा के ग्रंथकार हैं, यानी तर्क भाषा किसने लिखी है? तो सदानंद ने तो हम जानते हैं वेदांत सार लिखा है, और केशव मिश्र जो हैं वो तर्क भाषा के हैं, तो इसका 18वें का क्या हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा। शंकर वेदांत है, यानी कि शंकर जी ने जो वेदांत के ब्रह्मसूत्र जो लिखा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से। यहाँ शंकर वेदांत है अद्वैतवाद का, इसमें सी 19 का सी हो जाएगा, अद्वैतवाद। तो वेदांत सार में जब अध्ययन करेंगे तो वेदांत सार जो है इन्हीं में से निचोड़ निकाला गया है, उसको छोटे रूप में बनाया गया है सदानंद जी के द्वारा, जिससे लोगों को सही से समझ में आ जाए। चलिए 20वां देखिए। मीमांसकों के अनुसार किससे प्रामाण्य ग्रहण होता है? अब इसको मैंने बहुत डीप स्टडी में पूछ लेते हैं कभी कभी ये, हालांकि इसको मैंने कभी बताने का प्रयास भी नहीं किया है और शायद बताया भी नहीं है। ज्ञातता एक शब्द होता है, ठीक है, इसमें जो प्रयोग किया गया है इन्होंने, ज्ञातता शब्द से प्रामाण्य को ग्रहण किया गया है। ये बहुत गहन अध्ययन करने में व्यवस्था जब समझ में आती है तभी समझ पाएंगे, अन्यथा की दृष्टि में इसको बड़ा मुश्किल है समझना। जब गहन किताबों को विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है, एक एक पृष्ठ पढ़ा जाता है, तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें ही मिलती हैं। मीमांसा के अनुसार धर्म का लक्षण है, और धर्म के लक्षण को हमने अर्थसंग्रह में बड़े अच्छे समझाया। मीमांसा वही है, अर्थसंग्रह ही है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की हमें बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थसंग्रह की बात कर रहा हूँ जो मीमांसा दर्शन पर ही लिखा गया है। तो इसमें 14 लक्षणों अर्थो धर्म इस तरह से बोला गया, तो 21वें का ए हो जाएगा, ठीक। न्याय दर्शन के अनुसार जीवन का लक्ष्य है। अब यहाँ न्याय दर्शन के अनुसार पूछ लिया है, तो न्याय दर्शन निहि श्रेयस के नाम से इसमें प्रयोग किया गया है, और ये भी बड़े अध्ययन करेंगे एक एक पृष्ठ का, तब आपको समझ में आया कि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। हम जो पढ़ाते हैं या अध्ययन कराते हैं, कराने का प्रयास किया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, वो इतना गहनतम अध्ययन नहीं कराया जाता कि ऐसे इस तरह के प्रश्न आपको बता दिए जाएँ, क्योंकि ये बीच बीच में आती हैं, कार्यकाओं की व्याख्याओं में नहीं होते, ठीक है। चलिए अब इसमें आया है व्यास किसके भाष्यकार हैं। व्यास नाम है ये, वो किसके भाष्यकार है अर्थात उन्होंने किस पुस्तक का भाष्य किया है? तो सभी जानते हैं कि उन्होंने योग सूत्र जो है उसका भाष्य किया है। तो मैंने पतंजलि के योग सूत्र पर भी लगभग 5-6 वीडियो बनाए हैं, बहुत विस्तृत में ले गया हूँ मैं, हो सकता है आपके विषय से थोड़ा सा हटके हो गया हो, लेकिन कोशिश मैंने की है, उसमें भी मैंने ये समझाया है, आप देखें जा करके तो पता चलेगा। तो व्यास योग सूत्र के हैं। पंचीकरण का सिद्धांत बहुत ही अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया मैंने, और 24वीं का डी है, वेदांत दर्शन में है ये, वेदांत सार की पुस्तक में पंचीकरण की व्यवस्था दी गई है। मनोरथ संधि की बात कर रहा है ये, तो मन धन रथ होता है, विसर्ग संधि हो जाएगी। पंचानन, अब देखो पंचानन में कन्फ्यूज हो जाता है कि ये द्विग समास होगा कि बबरी होगा, कि जब पंच है आनन यानी मुख जिसके, इस तरह से व्याख्या की जाएगी, पंच आनना यह से सहता हो, इस तरह से जब व्याख्या की जाएगी तो वो बहुब्री में चला जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्री हो बी। अलम के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम अषडी युगादि में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो 27 का बी हो जाएगा। पाक कौन सा प्रत्यय है? तो पच धातु है इसमें, और घे प्रत्यय लगने से पाक बनता है। कुछ मैंने प्रत्यय बताने का प्रयास किया है, अधिक मैं प्रत्यय नहीं समझा पाया हूँ, अधिक तो मैं खैर कुछ ने समझाया ही नहीं है पूर्ण रूप से, तो मैंने बताने का कोशिश ही क्या करें, वो समय ही की समस्या है सबसे बड़ी, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ देने का प्रयास करेंगे। ऐसे 29 है, अवोधित में कौन सा लकार है? देखिए जो भूतकाल होता है लुंग लंग लिटस तथा, इस तरह से बोला गया है, तो लुंग लकार, लिट लकार और लंग लकार ये होता है। तो लिट लकार जो होता है वो हम सब जानते हैं कि वो परोक्ष में होता है, उसका जब प्रयोग करेंगे तो उसमें आ वगैरह नहीं लगता, लिट लकार में सीधा सीधा। लंग लकार में आ लगता है, लेकिन बहुत सरल वाक्य बनते हैं, जैसे अपठत
अपटताम, अपटन, ऐसे ही। अब अवोधित जो प्रयोग किया गया है वो लुंग लकार के लिए प्रयोग किया गया है, तो अवोधित जो शब्द है वो लुंग लकार का है। चित्रगु, चित्र गावो यशसः, ठीक इस तरह से विग्रह हो जाएगा, चित्र चित्रा गावो यशसः। तीस का भी पाणिनी के अनुसार पद का लक्षण है, सब जानते हैं, सुप्तिगंतम पदम, ये संज्ञा प्रकरण में विस्तृत में समझाया है। संज्ञा प्रकरण का एक भी सूत्र नहीं छोड़ा गया है। दो प्रकार के संज्ञा प्रकरण हैं प्ले लिस्ट में जाएंगे तो, एक विशेष संज्ञा प्रकरण है और एक केवल संज्ञा प्रकरण है, तो दोनों को बहुत ही विस्तृत समझाया है, शायद ही किसी परीक्षा में वो छूटे। पाणिनी के अनुसार कार्य का लक्षण है कर्म का, कार्य नहीं कर्म का, तो कर्तृ विप्सततम कर्म, ए 32 का, ये सभी सब जानते हैं। ङा उच्चारण स्थान है, ये दो सूत्र आते हैं, अकोहु विसर्जनीय नम कंठा काखा गाघा ङा, और एक आका है यमंगणन नाम नासिका। पंचम जो वर्ण होता है वो भी नासिक से हो जाता है, तो ये कंठ और नासिक दोनों से बोला जाएगा। वाह, एक यणा संप्रसारण सूत्र होता है, संप्रसारण संज्ञा के बारे में हमने समझाया है। वा है तो ऊ का हो जाएगा। अवेस्ता का भाषा परिवार है, भारतीय आर्य भाषा है। सा का घोष क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, तो इसमें 36 का ए हो जाएगा। किमेव मही मधुराणाम मंडनम नाग कृति नाम, यह सूक्ति जिस रचना में है वह रचना है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम है। जब शकुंतला को आभूषण से सुसज्जित किया जाता है तब ये सूक्ति बोली गई है, ठीक है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा। हर्ष चरितम एक आख्यायिका है, कथा जो है कादंबरी है, ये सब जानते हैं। विशाखा दत्त ने मुद्र राक्षसम नामक एक पुस्तक की रचना की है, नाटक की रचना की है। वैणी संहार में, वैणी संहार यानी संहार शब्द लग गया तो दिमाग में बिठा लो सीधे सीधे, मारने धारने की बात चल रही है तो वीर हो गया, वीर रस हो गया इसमें। योगंधरायण किसका प्रमुख पात्र है, प्रतिज्ञा योगंधरायण एक शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी योगंधरायण की प्रतिज्ञा, ऐसी पुस्तक का नाम भी है। तो ये इसमें अब वो तो है नहीं, कादंबरी में है नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम में है नहीं, उत्तरामचरित में राम का वर्णन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का है, कादंबरी में काल्पनिक कथा है, पूरी शूद्र की कहानी चली है। तो ये स्वप्नवास वदतम एक बचता है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। वह रचना जिसमें शुकनाशोपदेश है, सब जानते हैं, कादंबरी है, ठीक है। हितम मनोहरी चा दुर्लभम वचा, ये प्रथम है, करातर जिनके प्रथम सर्ग से लिया गया है। रहस्याम, देखिए ये जो है वो जब पढ़ेंगे आप कपिल द्विवेदी जी की पुस्तक पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य का, तो उसमें मिलेगी आपको, ये भभूति के बारे में बोला गया है। रहस्यम साधु नाम अनुपदी शुद्धम विजयते, जिस कवि की उक्ति है वह कवि है, ठीक है, भभूति ने बोला है ये उत्तरामचरित के दूसरे अंक के बारहवें श्लोक में। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, लक्षण जिस आचार्य का है वह आचार्य हैं भामाएं, तो 45 का ए हो जाएगा। संकेत ग्रह का संबंध है अविधा से, जब अविधा लक्षण अभिंजना ये तीनों जब समझाएंगे आपको, क्या करें समय की बड़ी समस्या है, वरना इनको ऐसे मैं प्रयास करता समझाने का, अविधा लक्षण अभिंजना शायद ही जीवन में आप कभी भूलते, क्योंकि इसको इतना टिपिकल बना दिया है लोगों ने, किताबी कीड़ा बन गए हैं सब। इसको बहुत ही आराम से समझाऊंगा, किसी दिन मौका मिलेगा और ऐसे समझाऊंगा कि शायद फिर एक बार पढ़ने के बाद आप जीवन में ना भूलें। तो संकेत ग्रह का जो संबंध है वो अविधा से है। साधारणीकरण सिद्धांत का उद्भव के उद्भावक आचार्य हैं। अब यहाँ जो साधारणीकरण सिद्धांत है, ये भी मैंने बताया ना, कुछ प्रश्न इतने गहनतम प्रक्रिया से पूछ लेता है एंड अंदर से निकाल करके पूछता है ये,
उसको शायद पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो दो चार बार पुस्तक, एक ही पुस्तक को कम से कम दो से तीन चार बार पढ़ लेगा तब उसको समझ आएगा। तो इसके वैसे जो रचयिता हैं, उद्भावक हैं, जो सिद्धांत दिया था साधारणीकरण का, वो भट्टनायक हैं। आपको सीधे सीधे ऐसे याद कर लीजिए। और गया कुछ गड़बड़ होगी कहानी, एक मिनट। हट गया था थोड़ा ये। 48वां है विवत्सरस। विवत्स देखिए, विवत्सरस ना समझ में आ रहा है तो आप विकल्प देख लीजिए। श्रृंगार का हम जानते हैं रति होता है, हास्य का हास होता है, शोक करण का होता है, तो एक ही तो बचा, तो विवत्स हम जुगुप्सा का लगा सकते हैं। ठीक है, यह उपरूपक का एक भेद है। नाटक के यदि आपको पूरे 200 याद हैं तो आपको उपरूपक खोजने में, रूपक जो होते हैं वो 10 होते हैं, उनको जैसे नाटक है, प्रकरण है, भाण है, डिम है, प्रहसन है, ईयामृग है, तो उनको अगर आपको याद कर लिया है उपरूपक खोजना कठिन नहीं रह जाएगा। भाण, डिम, प्रहसन ये सब रूपक हो गए, नाटका बची ये उपरूपक में चली जाएगी। प्रकरण का नायक जो होता है वो धीर प्रशांत होता है, ठीक है ना, धैर्यवान होता है, और प्रशांत का मतलब एक समुद्र की तरह गंभीरता होती है उसके अंदर। ये उसमें कल्पना थोड़ा सा पता करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें प्रकरण में देख लीजिए, मृच्छकटिकम जो है उसमें चारुदत्त जो होता है वो धीर प्रशांत ही होता है, उसमें ये गुण होता है। गरीब होने के बावजूद भी कितना धैर्यवान है, कितना शांत रहता है, तो ये सही से समझ में आ जाएगा अगर प्रकरण एक दोबारा अगर पढ़ लेंगे आप। ठीक है, ये चार प्रकार के जो होते हैं नायक होते हैं। तो ये 50 हो गए आज के लिए, इतना ही, धन्यवाद।